अभी हम गया ये पावन धरती श्री श्री दुर्गा मंदिर एवं शनिदेव मंदिर फातेह गोदाम की हम उपस्थित है, जहाँ पर वैष्णो देवी स्वरूप दर्शन हेतु यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं हाँ लीजिए अभी हम एंट्री होने वाले हैं इस वैष्णो देवी प्रारूप नए गोदाम में, जहाँ पर जो वैष्णो देवी नए घूमे हैं यहाँ पर आकर एक ही बार में देख सकते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर धोए पैर, उसके बाद अंदर आगमन होने जा रहा है। देख सकते हैं आप वैष्णो देवी का एकदम प्रारूप बनाया गया है। चला देख सकते हैं वैष्णो देवी का प्रारूप एकदम प्योर गुफा बनाया गया है। आप देख सकते हैं जितने भी फेसबुक पेज में नहीं जुड़े हैं लाइव सेशन में जुड़ जाएं। देख सकते हैं आप देख सकते हैं जिस प्रकार बनाया गया है यह पंडाल। यहाँ पर वैष्णो देवी ने जो चरण पादुका दिया जाता है वही चरण पादुका यहाँ पर है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका यहाँ पर उपलब्ध है। जय हो शंकर। यहाँ पर शंकर भगवान की जो लिंग है वो स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखिए फुली एसी का व्यवस्था है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर फुली एसी का व्यवस्था है ताकि यहाँ पर गर्मी ना लगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्योर एकदम जो है कार का बनाया गया। ये फोन क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कंजस्टेड जगह है। इस प्रकार माता वैष्णो देवी के दरबार में रहने से पहले ऐसा गुफा प्रतीत होता है। आप पीछे हैं तो लीजिए ना, पीछे जानते हैं हम भी कटवा लेंगे। ओ आप नहीं कटवाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अध्यक्ष कुमारी ये स्थापित किया गया है। यहाँ पर सारे भक्त लोग यहाँ पर दर्शन हेतु आए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह गुफा बनाया गया है जो माता वैष्णो देवी के जो है प्रारूप है। यह जितने फेसबुक पेज में नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि यह माता वैष्णो देवी का जो प्रारूप है यह दर्शन करें। वैष्णो देवी जो घूमने नहीं जा तो यहाँ पर आकर साक्षात हो जाएं किस प्रकार माता वैष्णो देवी का जो वहाँ वैष्णो धाम में है वहाँ किस प्रकार गुफा बनाया गया है उसी के प्रारूप सेम टू सेम बनाया गया है। देखिए किस प्रकार गुफा एकदम फुली लाइट एवं एसी का व्यवस्था है। यहाँ पर दिन में भी आ सकते हैं रात में भी आ सकते हैं। देखिए सारे भक्त लोग यहाँ पर देखिए अब लाइट फाइट सारा कुछ का व्यवस्था किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे भक्त लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की गई है, देख सकते हैं आप। देखिए प्योर एकदम जो है माता वैष्णो देवी के जो प्रारूप गुफा है उसी का सेम टू सेम यहाँ गेट या कारीगर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर कार्तिक जी और सरस्वती जी का जो है मूर्ति स्थापित की गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वैष्णो देवी का जो प्रारूप है प्रतिस्थापित के सेम टू सेम यहाँ पर है। और यहाँ पर यह जो पंडाल है या फुली एसी है, एकदम प्योर एसी है। यहाँ पर भगवान हनुमान है, श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई, आप देख सकते हैं इस गुफा में। देखिए सैकड़ों श्रद्धालु के साथ हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होकर इस गुफा में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस प्रकार यह गुफा जो है, यहाँ पे समझिए तो यह पूरी मतलब कहा जाता है कि प्योर वैष्णो देवी का जो मंदिर है, देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए माता वैष्णो देवी का यहाँ पर चलो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। देखिए माता वैष्णो देवी का जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया गया है, देख सकते हैं। चलिए चलिए धीरे 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 निकलिए, वीडियो बनाते बढ़ते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, चलिए बढ़ जाइए धीरे, देख सकते हैं आप। चलिए रुकिए नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित हुई है। लड़का लड़की सब मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या सुंदर नजारा है, निकल गए यहाँ। अच्छा उधर अच्छा उधर।